नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिग इंडिया में। दोस्तों, दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जो आपको हैरान करके रख देते हैं। इन रहस्यों के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा से जुड़ी हुई है, और इस कहानी पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर आज हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बात है रोम इटली की 1911 की। एक रेलगाड़ी जो कि एक कंपनी का ऐड करने तथा ट्रेन का परीक्षण होने के लिए, ये ट्रेन अपने निर्धारित स्थल से निर्धारित समय पर निकली, मगर कुछ ही दूरी पर इस ट्रेन के रास्ते में एक पहाड़ में बनी हुई एक गुफा यानी कि टनल पड़ने वाली थी। इस ट्रेन में 100 पैसेंजर्स के साथ 6 स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद थे जो फेमस जगहों को देखने जाने वाले थे, मगर जैसे ही ट्रेन गुफा में एंटर हुई वैसे ही कुछ समय पश्चात यह ट्रेन रहस्यमय रूप से गायब हो गई और इस ट्रेन का आज तक पता न चल सका। लेकिन इस ट्रेन के साथ सिर्फ 104 ही लोग गायब हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो 106 लोग सवार थे, तो फिर दोस्तों, दो पैसेंजर्स ने जब ट्रेन को गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने वहां गुफा के गेट पर कुछ धुआं और कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनी, जिस कारण इन दोनों पैसेंजर्स ने ट्रेन से छलांग लगा दी और गायब होने से बच गए। दोस्तों, इसके बाद उस गुफा को हमेशा के लिए ईंट और सीमेंट की मोटी दीवार लगाकर बंद करवा दिया गया है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या सच में होता है टाइम ट्रेवल? तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, कई लोगों द्वारा इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया गया है। लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं यह ट्रेन स्पेस या टाइम में कहीं ट्रेवल कर रही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल से ऐसी ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।